हेलो एंड नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष जैन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट शो लेके, जिसका नाम है संडे मस्ती। आज हम फिर से एक बार फिर लुधियाना के रखबाग में आए और यहाँ करेंगे लोगों से मस्ती मजाक और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनके आसान से आंसर देने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पर आंसर बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई दे देता है, कोई नहीं देता है। और चलते हैं और लोगों से पूछते हैं थोड़े फनी क्वेश्चन और लेते हैं उनसे आंसर। पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, अगर खुद को खड़ा करना है तो हर रोज़ कुछ बड़ा करना है। भूल जाओ गणित, पाप और पुण्य का बह रही है ज़िंदगी और कुछ बड़ा करना है। आज पहला राउंड लेके आए हैं अपना कॉमन सेंस। आज का जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने लाइन बोली थी ना पहले कि भूल जाओ गणित, बस इसी से रिलेटेड है। आओ चलते हैं, लोगों से पूछते हैं पहला क्वेश्चन। आओ, आओ चलो चलते हैं एक फैमिली के पास और लेते हैं इनसे आंसर। हाँ जी, क्या नाम है मैम आपका? मोनिका। मीनू। मीनी। मीनू। हम ना अपना शो लेके आए हैं संडे मस्ती प्रोग्राम पे, टेलीकास्ट आत्मा चैनल पे, 596 नंबर फास्ट वे पे आता है। एक ना लोगों से फनी सा क्वेश्चन पूछते हैं हम, उसका सिंपल से आंसर होते हैं, देने थोड़े से मुश्किल होते हैं पर आंसर जल्दी आ जाते हैं। आपसे पूछता हूँ मैं क्वेश्चन। मान लो आप एक ट्रेन चला रहे हैं, उस ट्रेन के 5 स्टेशन हैं। पहले स्टेशन पे 2 व्यक्ति चढ़े, 2 उतर गए। दूसरे पे 2 चढ़े, 1 उतर गया। तीसरे पे 3 चढ़े, 1 उतरा। चौथे पे 4 चढ़े पर उतरे 2, और पांचवे पे सिर्फ 1 चढ़ा और 2 उतर गए। बताओ जो ट्रेन चला उसके ड्राइवर के पिता का क्या नाम है? आपने बताया ही नहीं है। आप ही ने तो बताना है, यही तो क्वेश्चन था हमारा। मैंने वो सुना ही नहीं है। तो यही तभी तो मैं आपसे बोल रहा था, आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना क्योंकि आंसर उसी के अंदर था। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं, सच में नहीं। चलो आप सब ने तो सुन लिया ना मैंने क्वेश्चन क्या बोला, दोबारा से चलो बोलता हूँ। गुड़िया ने बोला, दोबारा से बोलता हूँ मैं। चलो दोबारा बोल के दिखाता हूँ। चलो मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। मान लो आप एक ट्रेन चला रहे हैं, उस ट्रेन के 5 स्टेशन आएंगे। पहले स्टेशन पे 2 उतरेंगे, 1 चढ़ेगा। दूसरे स्टेशन पे 2 चढ़ेंगे, 2 उतरेंगे। तीसरे पे 3 चढ़े, उतरा 1। चौथे पे 4 चढ़े, 1 उतर गया। पांचवे पे ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। जो ट्रेन चला रहा है उसके डैडी का क्या नाम है? बताइए बताइए, आंसर बताइए। सोच के देखो, उन्हीं का नाम होगा। चलो इस फैमिली के पास आंसर नहीं मिला, चलते हैं किसी और से, लेते हैं किसी और से आंसर। आइए, हम ना अपना शो लेके आए हैं संडे मस्ती, उसमें हम ना नॉर्मल सा एक फनी सा क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से। आज आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो आप एक ट्रेन चला रहे हैं, उस ट्रेन के 5 स्टेशन हैं। पहले स्टेशन पे 2 व्यक्ति चढ़े, 2 उतर गए। दूसरे पे 1 चढ़ा और 1 उतरा। तीसरे पे ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। चौथे पे 4 चढ़ गए और 4 उतर गए। पांचवे पे 1 चढ़ा और 1 उतरा। तो बताओ जो ट्रेन का ड्राइवर है उसके डैडी का क्या नाम है? यार ट्रेन के ड्राइवर का डैडी का नाम क्या है? यही तो दसना तुसी। मिस्टर शादी कल्याण। ओह नो, मिस्टर शादी कल्याण। वो किसका नाम है? मेरे फादर का। बिल्कुल 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 सही। देखो मैंने बोला था ना कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो गणित भूलने वाला है, क्योंकि मैंने तो गणित में उलझा दिया था, लेकिन जो इसका आंसर था वो बिल्कुल सही दिया। क्या नाम है सर आपका? दीपक कल्याण। दीपक जी ने हमारा पहले राउंड का पहला क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर दे दिया। आपको मिलता है आत्मा चैनल की तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच। मान लो आप एक ट्रेन चला रहे हैं, उस ट्रेन के 5 स्टेशन है। पहले स्टेशन पे 2 व्यक्ति चढ़े और 2 उतर गए। दूसरे स्टेशन पे 3 चढ़े, 1 उतर गया। तीसरे स्टेशन पे 3 चढ़े, उतरे 2। चौथे स्टेशन पे 2 चढ़ गए और 2 उतर गए। पांचवे स्टेशन पे ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। ट्रेन चला उसके ड्राइवर के फादर का क्या नाम है? बताइए। 5 स्टेशन चढ़े थे, 2 भी है। मैम आप बताइए। रिपीट करना क्वेश्चन। रिपीट मैं कर देता हूँ दोबारा से। मान लो आप एक ट्रेन चला रहे हैं, उस ट्रेन के 5 स्टेशन हैं। पहले स्टेशन पे 2 व्यक्ति चढ़े और 2 उतर गए। दूसरे पे 1 चढ़ गया, 1 उतर गया। तीसरे पे 3 चढ़े, उतरा 1 ही सिर्फ। चौथे पे 2 चढ़े, उतरा कोई नहीं। पांचवे पे ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। पर जो ट्रेन चला उसके फादर का क्या नाम है? ट्रेन मैं चला रही थी, जो मेरे फादर का नाम है वही उसका नाम होगा। बिल्कुल सही आंसर। क्या नाम है आपका, आपके फादर का?
श्री केवल कृष्ण। बिल्कुल सही आंसर दे दिया मैम ने, तो दे दिया, लेकिन इनके हस्बैंड ने नहीं दिया, क्योंकि मैंने बोला था मेरे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। मेरा क्वेश्चन उन्होंने अच्छी तरह सुन लिया, उन्होंने नहीं सुना और इसका आंसर बिल्कुल ठीक दे दिया। आपको मिलता है आत्मा चैनल की तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू। देखो इसका आंसर ना बड़ी जल्दी लोगों ने दे दिया, 2-3 फैमिली के पास गए थे, इसका आंसर मिल गया। बट हम अब अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, अब वो पूछ के देखते हैं कि उसके आंसर आते हैं लोगों को या नहीं आते। आओ चलिए, आओ एक और फैमिली के पास आए हैं, हम यहाँ इनसे पूछते हैं अपना क्वेश्चन। आप एक मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत सिंपल सा है। 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? वो तो क्वेश्चन सुन के भाग गए। चलो सर से पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया क्या मैंने पूछा? सुन लिया ना। 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? माइनस प्लस करना पड़ेगा सर। तो माइनस प्लस कीजिए। 2 मुर्गी 1 दिन में 2 अंडे देती है। 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है? 2 दिन में 24। कैसे? 2 2 4 2 6 2 8। कैसे? सर के पास आंसर नहीं आया, चलो चलते हैं किसी और के पास, किसी और से आंसर लेते हैं। आइए चलो, हम एक और फैमिली के पास आए हैं, उनसे पूछते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं आंसर आता नहीं आता। सर क्या नाम है आपका? सचिन मट्टू। मैम आपका क्या नाम है? नविका मट्टू। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है फनी सा, बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है उसी के अंदर आंसर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में? 6 दिन में कितने अंडे देगी? 6 दिन में 12 अंडे देगी। कैसे? 6 मुर्गी तो 2 दिन में 2 अंडे देंगी, तो 6 दिन में? हाँ गलत। 6 दिन में देंगी, 2 दिन में 2 अंडे देती है, 2 दिन में 2 अंडे देती है। 2 मुर्गी 2 दिन के अंदर 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? 6 अंडे ही देंगी। कैसे? 6 मुर्गी 6 हैं। नो नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैम, आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैं तो खुद कंफ्यूज होगी सुनकर ही। क्वेश्चन कंफ्यूज होकर मैं क्वेश्चन दोबारा बोलता हूँ। 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? नहीं, 6 नहीं देगी सर। रोज 1 दिन में 1 देगी फिर? तो 6 दिन में 6 मुर्गी कितने अंडे देगी? 6 मुर्गी। अच्छा 6 मुर्गी 6 दिन में? दिन में 6 मुर्गी दिन में 6 अंडे देंगी? नहीं गलत। क्वेश्चन नहीं आपने मेरा सुना, आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो आएगा ना टीवी पे देखना आप, उसमें आपको नजर आएगा। चलो चलते हैं किसी और के पास, किसी और से आंसर लेते हैं। आओ चलिए, 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? नहीं गलत आंसर। मैं सही दसूंगा, पहले तुम दसो। 12 ही हुए भैया। 12 कितना हुए? 2 दिन से 2 मुर्गी दे रही है। 6 भी नहीं, 6 दिन में? 2 दिन में 2 मुर्गी 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? तुसी दसो। कुछ भी नहीं देना, इन्हें कोई आंसर नहीं मिला। चलते हैं किसी और के पास, पूछते हैं किसी और से। आओ चले, हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? Oh no! इतने ही देगी जब 2 मुर्गी 2 6 भी? 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? हमारे से कुछ भी, हमारे मैथमेटिक्स से नहीं। थोड़ा सा दिमाग लो, इसके अंदर ही आंसर है। 2 दिन में 2 मुर्गी 2 अंडे देती है। दोबारा पूछना क्या बोला? 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी? 12 अंडे देने चाहिए। कैसे भाई? 6 मुर्गी हो गई और दो अंडे दिए सबने, लेकिन ज़्यादा हो रहे हैं। तो वही तो आंसर देना है आपने, बताइए। आप बताइए मैम, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए। मेरे पास तो बहुत कम है। मैम के पास कहते हैं मेरे पास दिमाग कम है, लेकिन सर थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। देखते हैं आंसर निकल रहा है, अंदर से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से निकल रहा है। 6 मुर्गी दिन में 2? नहीं मैं बताऊंगा, वो एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा मैं। साथ में कोई बात ही नहीं रहेगी फिर तो। मेरे हिसाब से तो चाहिए होंगे नहीं, बस और क्या बने, सॉरी 12 अंडे होने चाहिए बस। नहीं 12 भी आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है हम आपको बताएंगे एपिसोड के एंड में। आप हमारा शो देखना फास्टवे नंबर 596 पे संडे मस्ती। जैसा कि आपने देखा था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मान लो आप एक ट्रेन चला रहे हैं, उस ट्रेन के 5 स्टेशन हैं और किसी पे हर स्टेशन पे अलग अलग व्यक्ति चढ़े हैं और उतरे हैं,
और जो ट्रेन चला रहा है उसके फादर का क्या नाम था, उसका आंसर आपने देख ही लिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि दो मुर्गी दो दिन में दो अंडे देती है, तो छः मुर्गी छः दिन में कितने अंडे देगी, इसका आंसर कोई दे नहीं पाया क्योंकि लॉजिक नहीं लगाया। बड़ा सिंपल सा आंसर था, इसका आंसर है 18। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे इसका आंसर 18 कैसे है, आप घर पे जहाँ पे भी हमें देख रहे हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे आप पेन पेंसिल लेना और नोट करके देखना कि इसका आंसर 18 कैसे है। चलो चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ जो है डिवोशनल कुछ, जो मेरी को एंकर काव्या जैन अटेंड करेगी। आओ लेके चलते हैं आपको सेकंड राउंड के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं काव्या जैन आपका सेकंड राउंड में स्वागत करती हूँ जो कि है डिवोशनल क्विज। और आपने कॉमन सेंस के साथ मस्ती तो बहुत कर दी, दिमाग भी बहुत लगा लिया, लेकिन अब थोड़ा धार्मिकता की ओर दिमाग लगा लीजिए क्योंकि जो मेरा सेकंड राउंड है उसमें मैं पूछती हूँ बड़े ही इंटरेस्टिंग से धार्मिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पिछली बार ना एक क्वेश्चन पूछा था, एक दोहा बोला था, उसका जवाब मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतने भर भर के आंसर आएंगे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। जो दोहा था कि बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले, फल लागे अति दूर। इसका आंसर है, ये किसका दोहा है, ये कबीर दास जी का दोहा है जो कि सबसे पहले आंसर भेजा है करण शर्मा ने लुधियाना से। सेकंड किसी का जवाब आया वो कोई है गुरप्रीत कौर, वो भी लुधियाना से ही है। और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन मैं सबके नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आज का राउंड शुरू करने से पहले मेरा आज का भी दोहा है आप सबके लिए, वो आप हमें किस पे भेजेंगे, हमारी मेल आईडी पे। तो शुरुआत करने से पहले दोहा अच्छे से सुन लेना, ठीक है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। इस दोहे का अर्थ है कि संसार में अलग अलग प्रकार के लोग भी रहते हैं जिनका स्वभाव भी अलग अलग होता है और नेचर तो अलग होता ही है और बोलबानी भी अलग होती है, लेकिन हमें इस संसार में कैसे रहना चाहिए जिससे ज़िंदगी जीना बहुत सरल हो जाएगा, कि हमें अपनी जो बोली है वो बिल्कुल मीठी बोलनी चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे करने से हमारा जीवन सरल और सुगम हो सकता है। चलो इस दोहे के साथ आपको एक प्रश्न है कि ये दोहा किस कवि का है, ये भी आप हमारी ईमेल आईडी पे सेंड करके मुझे बता सकते हैं जो कि है आत्मा चैनल ashishkavya@gmail.com, आत्मा चैनल ashishkavya@gmail.com। चलिए बढ़ते हैं सेकंड राउंड की ओर और पूछते हैं लोगों से धार्मिकता से जुड़े कुछ जवाब। मेरा ना ये सेकंड राउंड है, इसमें मैं धार्मिक क्वेश्चन पूछूंगी जिसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। आपके पार्टनर हैं, पार्टनर बना लो इस राउंड में क्योंकि मुझे इस राउंड में कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाना है, तो मुझे एक के साथ एक और पर्सन भी चाहिए। इनमें से किसी एक को मैं पिक्चर दिखाऊंगी और उसने मतलब अपने साइन से मतलब अपने फेस एक्सप्रेशन से बताना है कि ये पिक्चर किसकी है। चलिए आइए दिखाते हैं, ये आप पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, आपने इशारे से बताना है इनको और ये किसके सिंबल है, मतलब किस भगवान जी के पास होता है, उसका जवाब आपने नहीं देना, जो आपका पार्टनर होगा वो देगा, ठीक है। चलो, हाँ जी, आपका नाम? पाकरानी। अब पता चलेगा कि ये जो मैं नया सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देख रही हूँ कि मैंने इन दो पार्टनर हैं, इनमें से एक को मैंने पिक्चर दिखा दी है और दूसरे पार्टनर को इन्होंने साइन लैंग्वेज के साथ मतलब इशारे के साथ समझाना है इन्होंने किसकी पिक्चर देखी है, और जो पिक्चर मैंने दिखाई है वो किसी भगवान जी का शस्त्र है और ये इन्होंने इनको समझाना है, देखते हैं कितनी अच्छी साइन लैंग्वेज दिखाएंगे। ये श्री राम चंद्र जी का है, भगवान जी। वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए हम चलते हैं दूसरी फैमिली के पास, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखते हैं कैसे कैसे सब अपनी साइन लैंग्वेज लगाएंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? तेजिंदर पाल सिंह। हाँ जी मैम, आपका नाम? जसवीर कौर। मैं ना सेकंड राउंड में धार्मिकता चेक करी हूँ कुछ अलग सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेके, तो इसमें क्या होगा, मैं इसमें जो मेरा अब है एक तो साइन लैंग्वेज की थी, अब इसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, आपने भगवान का नाम गैस करना है, कौन सा भगवान है, कौन से भगवान जी हैं ये, ठीक है। देखिए मैम, एक पिक्चर में जो मैन बने हुए उसमें मैन लिखा है, गर्ल बनी हुई है और एक मूर्ति बनी हुई है, ये किस भगवान जी का नाम है, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मेरे राउंड में ना फुल ऑफ टाइम दूंगी आपको ये पूरा अपना माइंड में लगाने के लिए कि किस भगवान जी की मतलब फोटो है ये। मारुति, मारुति no. okay. हनुमान जी,
आप सारे भगवान जी के नाम ले चुके हो। चलिए कोई नहीं, आप आराम से सोचिए, मैं किसी और के पास आंसर लेके आती हूँ। ये एक पिक्चर है, इसमें हर पिक्चर के नीचे, मतलब हर शक्ल के नीचे ना एक नाम लिखे हुए हैं। इन नामों को जोड़ के एक नाम बनेगा, वो किसी भगवान जी का नाम होगा। बताओ जल्दी से, जल्दी से दिमाग लगाओ। नहीं, वो जल्दी गिव अप करके चलो चलते हैं किसी और के पास। हाँ जी सर, मेरा ना एक सवाल है कि ये जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें से तीनों के नीचे ना नाम लिखे हुए हैं, इन तीनों के नाम इकट्ठे करके एक भगवान जी का नाम बनेगा, वो भगवान जी का नाम बताओ। लो, ये भी लगा रहे हैं अपना माइंड। बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, देखते हैं। भगवान कौन कौन से हैं, ज्ञान या और भी और कोई 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 भी है? हिंदू समाज के। रुको, लगा लिया जी दिमाग इन्होंने। हाँ जी, एक बार आप बोल दीजिए कैमरे में। मंगल मूर्ति जी। कहते हैं ना कि हर कहते कि हर सक्सेसफुल आदमी पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आज दिखने को ही मिल गया। जेंट्स ने तो अपना पूरा लगा लिया माइंड, लेकिन एक औरत ही जीत गई है इस चीज में, क्योंकि विपिन जैन ये जो आपने क्वेश्चन रखा था बहुत बढ़िया था, इसका शैली जैन ने बहुत ही खूबसूरती से इसका जवाब दिया और सही जवाब दिया। बहुत अप्रिशिएटिंग राउंड था ये मेरे लिए कि आंटी जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। और भी ये पूछते हैं किसी और फैमिली से, इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट, चलिए बढ़ते हैं किसी और। थैंक यू सो मच। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये मैम को दिखाने वाली हूँ, पहले उनसे उनका नाम पूछ लेती हूँ। हाँ जी मैम, आपका नाम? योगिता। मेरे पास ना एक फ़ोटो आप देख ही रहे हो, ये जिनकी फ़ोटो है आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पीकॉक की। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो, ये मोर है, ये किन भगवान जी की सवारी है? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की कैसे हो सकती मैम? राधा स्वामी में इतना नहीं है। थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए ना, थोड़ा सोचिए, धार्मिक जितनी मन में है ना वो सोचिए धार्मिक। नहीं पता, भगवान विष्णु की तो नहीं? नहीं नहीं, रहने तो, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। हमारे पास एक और फैमिली आई है, ये कह रहे हैं कि हमें इसका आंसर पता, चलो देख लेते हैं इनको इनका आंसर पता है कि नहीं पता। ये जो फोटो, मैम अपना नाम बताइए। भूमिका जैन। अच्छा, आप बताओ, ये फोटो देख ली ना आपने? हाँ जी। अच्छा, हमारे दर्शकों को बता दो किसकी फोटो है। कार्तिक ए की। नहीं नहीं, फोटो किसकी है? मोर की। मोर की। अच्छा, मोर किसकी सवारी है? कार्तिक ए की। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, थैंक यू सो मच मैम। चलो, हमारे पास ना दो बच्चे आए हैं, हम बच्चों को ऐसे ना निराश नहीं करते, ये सुनाएंगे छोटी सी पोइम, सुनिए आप सब भी। आओ बच्चों, आओ, क्यों भाई, क्यों चीज़, क्या भाई, क्या लचकुला, वाह वाह वाह, दूध का निकोड़े, गंदे बक्की, ची ची ची। Butterfly, butterfly, where do you come? I know not, I not not, I at the home. अच्छा, आप स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में, नेम बताओ। Born by Italian Public High School. Very good. आप बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? Oakley Foundation. आप कौन सी पोइम सुनाओगे? तितली उली. तितली उली उल्लास की, तितली उली उल्लास की, सिलाबली तो लोले लगी, सिलाबली तो लोले लगी, लावा ने बोला आजा मेरे पास, लावा ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट मत बस, तितली बोली हट मत बस, हट मत बस मेरा कर ले पास, हट मत बस मेरा कर ले पास, ला 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 ला। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा कि आपने देखा कि इस जो मैं राउंड में कंसेप्ट लेके आई थी ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा, और मुझे इसमें फ़न भी है। मेरा ये ओपिनियन होता है कि हम धार्मिकता में ना कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेके आएँ, ताकि
बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस चीज़ में अट्रैक्टिव हो। और बच्चों के लिए तो ये ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग पड़ाव रहता है, क्योंकि बच्चों को पिक्चर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके साथ साथ उनको धार्मिक नॉलेज भी होती रहेगी, जिनको नहीं भी होती वो भी इस चीज़ की ओर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड राउंड की ओर, जो कि है टंग ट्विस्टर। वो मेरे को एंकर आशीजन आपको उसके साथ सबके साथ लड़खड़ाने वाले हैं कुछ मज़ेदार टंग ट्विस्टर बोल के। अब हम लेके आए अपना थर्ड राउंड जो है टंग ट्विस्टर। पहला राउंड आपने देख लिया था, सेकंड भी आपने देख लिया, अब आओ चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। और आज का हमारा जो टंग ट्विस्टर है, आओ आपको दिखा देते हैं, बुलवा देते हैं, लोगों से बुलवाएंगे आज, वहीं पे देखते हैं, आओ चलें। सर क्या नाम है आपका? टिंकू भगत जी। आपका? अर्पिता। हम ना अपना शो लेके आए संडे मस्ती, एवरी संडे और वीरवार को आता है फास्ट फेस्ट चैनल पर 596 पे, आत्मा चैनल पे। आप उस पे आओगे, इस टाइम आपको बहुत अच्छा मौका मिला। एक ना टंग ट्विस्टर बुलवा रहे हैं, टंग ट्विस्टर पता है क्या होता है आपको? नो आई डोंट नो। आपको पता है मैम? नो। जैसे कच्चा बर्ड पक्का बर्ड बहुत तेज बस बहुत सुना होगा ना आपने, बस वैसे ही आपने बोलना। 10 टाइम जो आज हम बुलवा रहे हैं वो ये है, रियल रियल व्हील्स, रियल रेयर व्हील्स। आपने 10 टाइम बोलना बिना रुके, सिंपल सा। रियल रियल रियर व्हील्स, रियल 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 हो गया। मैम से बुलवा के देखते हैं, री री नहीं करना था, रियल रियल व्हील्स। मैम आप बोल के देखिए, रियल रियर व्हील्स, रियल रेयर 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 व्हील्स, रियल व्हील्स हो गया, व्हील्स बोलना था। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं किसी और फैमिली के पास, बैठी है उनके पास, उनसे बुलवा के देखते हैं अपना टंग ट्विस्टर। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति। आपका क्या नाम है सर? दीपक कुमार। टंग ट्विस्टर पता क्या होता है? बस वही आपने बोलना है जो आज हम लोगों से बुलवा रहे हैं ना, बड़ा सिंपल सा है, रियल रेयर व्हील्स। आपने 10 टाइम बोलना है बस। कैसे कैसे? रियर रियल व्हील्स, रियल रियल, हाँ रियल रेयर व्हील्स। 10 टाइम बोलना है आपने। 10 टाइम बस। रियल 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 रेयर व्हील्स, 10 टाइम बोलना, सिंपल सा तो है। नहीं बोला जाएगा सर। ट्राई करो, ट्राई करो। रियल भूल जाता हूँ यार। सर भूल ही जाते हैं, 3 बारी 4 बारी रिपीट कर दिया लेकिन फिर भी नहीं बोल पाया। अब मैम, अब हम ना मैम से पहले बुलवा के देखते हैं, फिर हम तो बोल के देंगे। मैम आप बोल के दिखाइए। एक भी नहीं बोल पा रहा। कोई नहीं, एक बार तो बोल दो। नहीं। एक बार ट्राई करके देखो। की कहना? रियल रियल व्हील्स, रियल रियल रेयर व्हील्स। मैंने जैसे कि और कोई ट्राई कर सकते हैं क्या? मैं वो करवा के देखता हूँ, पहले अभी ये बोल के दिखाइए। सर ये बोल नहीं पा रहे हैं, चलो एक और ट्राई करा लेते हैं। सर कह रहे हैं कोई और ट्राई करके आता हूँ। मैं अपना पिछले राउंड का जो वो भी नहीं दिया था किसी ने, वो वाला बुलवा के देख लेते हैं। ब्लैक बल्ब ब्लू बल्ब 10 बारी बोलना है आपने। ब्लैक बल्ब ब्लू बल्ब, 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 ब्लैक बल्ब ब्लू बल्ब। कितने बारी बोलना है ये? आप 8 बारी बोले, 2 बारी और बोल देते तो आपका 10 बारी हो जाता, आप रुक क्यों गए बीच में? नहीं मैं काउंट कर रहा था यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह सर ने 8 बारी बोल दिया। हमारे पिछले एपिसोड में तो कोई भी नहीं बोल पाया था लेकिन सर ने 8 बारी बोल दिया, पर बीच में पता नहीं क्यों रुक गए। आओ चलते हैं किसी और के पास, आपको गिफ्ट जरूर मिलता लेकिन आप बोल देते तो, लेकिन आप बोल नहीं पाए ना, इस वजह से मौका तो एक ही बार ही मिलता है। आओ चलते हैं आप किसी और के पास, आइए। एक फैमिली ग्रुप के पास आए हैं हम, इनसे बुलवा के देखते हैं क्या पता है बोल पाए। क्या नाम है आपका? जी पवन कुमार। आपका? अंगज। साजन मेहरा। टंग ट्विस्टर पता क्या होता है? जी नहीं। जरा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ सुना होगा बहुत बारी। हाँ बस ऐसा ही एक बुलवाना है, जो हम आज बुलवा रहे हैं ना वो ये बुलवा रहे हैं, रियल रियल व्हील्स। हमने 10 टाइम बोलना है जी, बोल के दिखाओ। कैसे सर? रियल रेयर व्हील्स, रियल रियल व्हील्स। सामने देख के बोलो। रियल रियल व्हील्स, रियल रियल व्हील्स, रियल रियल्स, रियल्स रियल्स। ये 10 टाइम बोलना है, बोल के दिखाओ। मैं तो नहीं होना है। कोई नहीं, हो तो जाऊंगा, ट्राई करूंगा तो हो जाऊंगा। पाजी नहीं होगा, नहीं होगा। चलो दोनों फ्रेंड घबरा गए, चलो चलते हैं किसी और के पास, आओ पूछते हैं किसी और से। मैं तो बुलवा के देखते हैं, आप बोल के दिखाओ। रिपीट करना। रियल रेयर व्हील्स, 10 टाइम बोलना है। रियल रियल व्हील्स, 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 रियल व्हील्स नहीं था, व्हील्स था। चलो ये भी नहीं बोल पाए, चलते हैं हम किसी और के पास, आइए।
एक बार फिर से हम इसी फैमिली के पास आए हैं, बट इस बार थोड़ा कुछ नया लेके आए हैं। आज इनसे टंग ट्विस्टर बुलवा के देखेंगे। क्या नाम है सर आपका? तेजेंद्र पाल सिंह। टंग ट्विस्टर पता है आपको क्या होता है? हाँ जी पता है। आज का हमारा जो टंग ट्विस्टर है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो आपने बोलना है। रियल रियर व्हील्स, रियल रेयर व्हील्स, ये आपने टाइम टाइम बोलना बिना रुके। ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रियल रेयर व्हील्स, रियल रियर व्हील्स, रियल रियर व्हील्स, रियल रियर व्हील्स। नो, गलत हो गया। दोबारा। दोबारा हुआ? रियल रियर व्हील्स। हो गया, चलो चलते हैं दूसरे के पास, दूसरे से बुलवा के देखते हैं, मैम से बुलवा के देखते हैं। मैम आप बोल के दिखाइए। सेम, एक बार आप बोलो। पहले मैं बोलता हूँ। रियर रेयर व्हील्स, पहले रियल है, फिर रेयर है, फिर व्हील्स है। ओके। रियल रेयर व्हील्स, 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 रियल रेयर व्हील्स। बिल्कुल ठीक है, मैम ने टेन टाइम बोल दिया, बहुत आसानी से बोल दिया, पर सर से बोला नहीं गया था। आओ चलते हैं अब किसी और से बुलवा के देखते हैं। आओ चले। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। मैम आपका? अनु अरोड़ा। टंग ट्विस्टर पता क्या होता है सर? जी बस वही, आप टंग ट्विस्टर है जो हम बुलवा रहे हैं लोगों से। रियल रियल व्हील्स, ये आपने टाइम टाइम बोलना बिना रुके। क्या बोलना है? रियल रियल, रियल रेयर व्हील्स, बोल के दिखाइए। रियल रेयर व्हील्स, रेयर रियल व्हील्स, रेयर रियल व्हील्स, रेयर रियल व्हील्स, रेयर रेयर, दो बार एक साथ हो गया। चलो मैम से बुलवा के देखते हैं। एक बार दोबारा बोलना। क्या बोलना? रियल रेयर व्हील्स, 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 रियल रेयर 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 व्हील्स। बिल्कुल सही, मैम ने टाइम टाइम बोल दिया लेकिन सर नहीं बोल पाए थे। मैम आपको मिलता है आत्म चैनल की तरफ से बहुत सारा प्यार, आपने बिल्कुल ठीक अच्छी तरह से बोला। थैंक यू सर। जैसा कि आप सब ने देख लिया, हमारा टंग ट्विस्टर कोई बोल नहीं पाया। एक फैमिली, दो फैमिली के पास थी, चार फैमिली के पास गए, बट एक दो बोल पाए, बाकी नहीं बोल पाए। चलो कोई बात नहीं, अपना ये वाला राउंड यहीं पे ख़त्म करते हैं और एंडिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब ने देखा कि हम आए थे लुधियाना के रक बाग में, यहाँ हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा फन किया, कॉमन सेंस डिवोशनल क्विज और उसके साथ साथ टंग ट्विस्टर जो कि बहुत ही मज़ेदार राउंड होता है, वो हमने अच्छे से इंजॉय करवाया सभी को। तो इसी प्रकार हम हर रविवार, मतलब हर एतवार को आते रहेंगे। शूटिंग टाइम है हमारा 4 बजे और टीवी पे टेलीकास्ट होने का टाइम है हर रविवार और हर वीरवार 6:30 से 7 बजे। अगर किसी कारण आप टीवी पे नहीं देख पाते हो तो हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है शुरुआत करने से पहले, किसमें? धार्मिक क्विज में, डिवोशनल क्विज में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब भी आप दे सकते हो, जो कि हमारी ईमेल आईडी है atmachannelashishkavya@gmail.com। और इस प्रोग्राम से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि हम अपने प्रोग्राम में शामिल करके आप सबके क्वेश्चन शामिल करें और लोगों से पूछें, तो वो आप भी भेज सकते हो, इसी ईमेल आईडी पे भेज सकते हो जो कि है atmachannelashishkavya@gmail.com। तो आप देखते रहिए हमारा शो जिसका नाम है संडे मस्ती। I'm sorry.